नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले, उसके में पठान और ये मूवी आपको किस OTT प्लेटफॉर्म पर क्रिस्टल विजन चैनल पर देखने को मिलेगा उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पठान उच्चारण एक तेज भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जो सिद्धार्थ आनंद द्वारा लिखित निर्देशित किया गया है और श्रीधर राघवन अब्बास टायरवाला द्वारा लिखित है, जो आनंद की एक कहानी की IRF यूनिवर्स की चौथी किस्त। शाहरुख खान मुख्य भूमिका में, उनके साथ दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम, डिंपल कवाड़िया और अशरुद्दीन राणा है। फिल्म में एक रॉ एजेंट पठान खान, ISI एजेंट रवीना हुसैन की जो एक घातक वायरस साथ भाग करते हैं, योजना बना रहे हैं जो हराने के लिए काम करते हैं। यशराज के आदित्य चोपड़ा और उसके सहयोग से आदित्य चोपड़ा निर्मित फिल्म के मुख्य फोटोग्राफी 2020 में मुंबई में शुरू हुई। फिल्म का शूटिंग भारत, अफगानिस्तान, स्पेन, न्यूयॉर्क, तुर्की, रूस, इटली और फ्रांस में विभिन्न स्थान पर की गई थी। दो गाने विशाल शेखर को जोड़ी द्वारा रचित है जबकि संजील बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और प्रधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विपरीत रिलीज पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच पठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त रघुपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है, पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे ना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं आउटफिट एक्स की समृद्ध योजनाओं के रोकने की सुबह बयान दे। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर शाहनी और अवहारण करने की थी और राष्ट्रपति अब असन्ना महिला के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। 1 जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है जिसमें को पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंट उसका सब नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई विरोधी का भुगतान करे और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कारण एजेंटों के हमारे बेस में प्रतिशोध लेने के लिए उसके स्पष्ट करने के अपने गीत के झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्त बीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मित्र लोग युव एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है रुबाई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के खुलासा किया रुबेमिन मॉस्को के है जवाब जिम के पहले इस चौंकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रुस्तबीज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और ट्रेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। अम्मी नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुप्त बीच उपाधि से जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया वो ये जानने बिना इसका देश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने में कामयाब होते हैं जिनके जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचने लुथेरा रुबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर भारत प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के बिना नंदिनी के लिए गोली खोलते हैं जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं। जिम
जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफी से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम कस्तानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है कि पास डिटोकनेटर लुथने की इमाई नतायत नियंत्रण को फ़ोन किया अब विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा सके। केबिन में पठान और जिम बेरोमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन चान के मिलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण तुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। यह विशेषण प्रयाग वैदिक सहित अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक ध्रुव के शिव सहकों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंजुआता मनो उत्पादक विभिन्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकाइयों के शब्दों की जैसे मान और प्रताओं के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विशिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश में विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर शंभु, रुद्रहर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रखंड, नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और ग्रीनेश्वर करुणा के स्वामी, सर्वशर्म के शिव के प्रति और सर्व श्रद्धा के उनके विशुद्ध महादेव महान देवता महा ना तो समाचार करता और नाता उतना ही निरस राम निखिल का युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के डिग्री मिलियन युवका तमदीर ने प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहदी मनुष्य शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते हैं। बेहदी का एक सह पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहते कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे की होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहोश होने के बच्चे को माता पिता को ढूंढने की कोशिश कर आनंद मदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है, वो बादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम की उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के आवेज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव ड्राम बॉलर से नए तो उसके भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातु पर बम्प करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन का एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता है। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोचन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच अनंत और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज
घटनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चंद खतरे में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पहनता देवी के हावित हो जाते हैं। जब धमकर के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदान तो एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संगत वे भी अक्षा की होती है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय के दिन दोस्त एक फास्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करते हैं। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर कर लिया लेकिन प्रभु को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानिक उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विवाहित रिलीज पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त राज्यपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुनवाई बयान दी। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर शाहनी और अवहरण करने की थी और राष्ट्रपति अब असन्नक महल के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक के काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। 1 जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है। जिसमें को पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंट उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई विरोधी का भुगतान करे और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कार एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए इसके स्पष्ट करने के अपने गीत की झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मित्र लोग युग एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तान डॉक्टर रूबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है रुबाई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के खुलासा किया रुबेमिर मॉस्को के है जवाब जिम के पहले इस चौंकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए दस्तावेज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और ट्रेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। एमबी की नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुक्तबीज उपारी वित्त विशेषक वायसरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया। वो ये जानने बिना उसका इस देश तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते हैं। बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जिनके जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचने लुथेरा रुबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर भारत प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के बिना नंदिनी के लिए गोली खोलते हैं जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए
संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं, जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफी से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम का स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेट पीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाइन मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है इनके पास डिटोकनेटर लुटने की इबाई नतायत नियंत्रण को फोन किया। विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा जाते हैं। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के मिलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण तुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन उन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। सी शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव ने सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी मनोपातक विघ्नक है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द वेद अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख महत्व के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकाइयों के शब्दों के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल यह देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदरम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन के तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी, महादेव, महादेवन, ब्रह्मो हुसैन, महादेवन, शंकर, शंभु, रुद्र, हर, त्रिलोचन, देवेंद्र, देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ, सुप्र, त्रिलोचन, तीन काली स्वामी और गिनीश्वर, करुणा के स्वामी, सर्व सेवन के शिव के प्रति सर्व श्रद्धा के उनके प्रसिद्ध महादेव महादेवता महा ना तो समाचार करता और नाता उतना ही निरस राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के टिकरी मिलियन युवका दिन प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं, लिए अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहरी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते। बेहरी का एक सहाय पदक्षेप, जिसके बाद में वो नहीं चाहते कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहदी होने के बच्चे को माता पिता का ढूंढने की कोशिश करते। आनंद नवदीप एक स्नातक है, जो एक फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है। वो वादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम के उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्र के ऑरेंज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव ड्रग बॉलर से नए मतलब उसके भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन का एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच आनंद और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चंद करने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पेहता तेबी के हावित हो जाते हैं जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदान तो एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात समयोत्पत वे भी अक्षा के होती है। वे अक्षय दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक फास्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से भी बराबर के लिए लेकिन प्रभु को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन प्रधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विपरीत बीच पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त राज्यपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक इकाई खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुनवाई बयान दी हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर सहानी और अवहरण करने की थी और राष्ट्रपति अब असन्नक महले के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। 1 जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर सहानी के साथ भागने की सफल हो जाता है। जिसमें को पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंट उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई विरोधी का भुगतान करें और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कार एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए उसके स्पष्ट करने के अपने गीत की छोटी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मृत लोग युवा एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तान डॉक्टर रूबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहाँ उसे ये भी पता चलता है रुबाई के ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के खुलासा किया रुबेमी मॉस्को के है जहां वे जिम के पहले इस चौकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रुस्तबीज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुक्त बीच उपाधि जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया वो ये जानने बिना इसका देश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी
टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जीम को प्रयोगशाला में पहुंचने लुथारा नुलबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर भारत प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में आर आई आई ई सी डी में डॉक्टर फारूक स्पष्ट रूप से भी उपाय के अभिनंदनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए कुरुक संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं। जिम जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान साफे राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम के स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है कि पास डिटोकनेटर लुथने की इबाई नाता है। नियंत्रण को फोन किया तो विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा जाते हैं। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन चांद के बोलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने उसको कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण तुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन और उन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्दर्शन सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यंगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं का संबंधित है। ये शब्द वैदिक ध्रुव के शिव सहकों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जाता मनो उत्पादक विभिन्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख महत्व के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकाइयों के शब्दों के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तच्छ संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्र, हर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ, सुप्रण त्रिलोचनकंठ, तीन काली स्वामी और ग्रीनेश्वर करुणा के स्वामी सर्वश्रेष्ठ के शिव के प्रति सर्व शब्दा के उनके विशुद्ध महादेव महादेवता ना तो समाचार करता और ना उतना ही निरस राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के टिकरी मिलियन युवका मंदिर में प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहरी मनसा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते हैं। बेहरी का एक सहाय पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहते कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहोदी होने के बच्चे को माता पिता का ढूंढने की कोशिश कर आनंद नवदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है। वो वादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम के उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के कॉलेज मेडी के माध्यम से बेहद
तैयार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव रामबालर से नए मतलब उसका भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम्प करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन के एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता है। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच अनंत और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चंद कितने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पेहता देवी के हावित हो जाते हैं जब धमकर के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदांत एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संयोगवश वे भी अक्षा की होती है। वे अक्षय दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय के दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा गार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर कर लिया लेकिन प्रभू को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन प्रधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विपरीत विदिश पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त राज्यपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCRK नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुनवाई बयान दी। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर सहारनी और अवहरण करने की थी और राष्ट्रपति अब असन्नक महिला के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक के काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। एक जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर सहायनी के साथ भागने की सफल हो जाता है जिसने को पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंटों उसका सब नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई ज्योति का भुगतान करें और अपने परिवार को नौ बच्चे पाने के कार एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए उसके स्पष्ट करने के अपने गीत के झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में तो लोग युग एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है रुबाई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के किया रुबेमी मॉस्को के जवाब बेजिंग के पहले इस चौकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा गया रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रुस्तबीज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। तीन साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम के गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। एमबी के नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुक्तबीज उपारिवृत्त विषयक वायसरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया। वो ये जानने बिना इसका इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते हैं। बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जबकि जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुँचते हैं। लुथेरा नूरबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डॉक्टर भारती प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के अभिनंदनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए गुरु संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं, जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटर देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम का स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच हुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है इनके पास डिटोकनेटर लुटने की इवाई नतायत नियंत्रण को फोन किया। विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा जाते हैं। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के मिलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने उपयोग कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद को उनके बहादुरी के लिए मन मरण पुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्गत सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव सहकों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंदता मनो उत्पादक विघ्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु सर्व के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थों को भगवान शिव ने संबंधित दिया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख महत्व के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकाइयों के शब्दों की जैसे मान और प्रताओं के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्रसुंदरम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शब्द व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन सम्मोक हुसैन, महादेवन शंकर शंभु, रुद्रहर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन कंठ, तीन काली का स्वामी और ग्रीनेश्वर करुणा के स्वामी सर्वश्रेष्ठ उनके शिव के प्रति और सर्व शब्द के उनके प्रसिद्ध महादेव महान देवता महा ना तो समाचार करता और ना उतना ही निरसन। राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के टिकरी मिलियन युवक का दिन प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहरी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते। बेहदी का एक सहायक पदक्षेप, जिसके बाद में वो नहीं चाहते कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहदी होने के बच्चे को माता पिता का ढूंढने की कोशिश कर आनंद नवदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है। वो बादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम की उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के आरएच मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव रामवालर से नए तो उसके भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातु पर बम करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन के एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच आनंद और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चंद करने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पहनता देवी के हावित हो जाते हैं जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो तीन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदान तो एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात समय भी अक्षा की होती है। वे अक्षय दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर के लिया लेकिन टब्बू को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विपरीत बीच पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त रघुपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक ऐसी इकाई खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे। चाहते हैं रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुबह बयान दी। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर सहानी और अवहरण करने की और राष्ट्रपति अब असन्नक महल के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। 1 जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है जिसमें को पूछताछ के दौरान उत्तरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसने बच्ची की हत्या कर दी थी तब एजेंट उसका सब नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई विरोधी का भुगतान कर और अपने परिवार को 9 बच्चे के कार एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए इसके स्पष्ट करने के अपने गीत की झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मित्र लोग युग एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तान डॉक्टर रुबीना मोहसिन दुबई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है दुबई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। दुबई के खुलासा किया रुबे में मॉस्को के है जवान बेजिंग के पहले इस चौकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि दुबई के पठान को खोजा उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रुस्तबीज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। उम्मीद की नंदिनी गरीज ने रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुक्तबीज उपाधि से जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया वो ये जानने बिना इसका देश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जबकि जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचने लुथेरा मुंबई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डॉक्टर भारती प्रभाकर के रोगी के संस्था नाम के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के अभिनंदनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय को पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए कुरुक संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं, जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान राफी से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम का स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुकते बीच मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है इनके पास डिटोकनेटर लिखने की इवाई बताता है नियंत्रण को फ़ोन किया विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा सके। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के मिलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंक कर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण पुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन इन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन पुलिस संशोधनों के साथ पारी की कर दिया गया। सीब शब्द का प्रयोग 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेष रोग में रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांगिक दिव्यांगों ने लिए विशेषों के शिव शब्द का अर्थ मुक्ति अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित को अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव निशान कब्बों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंगता मनो उत्पादक विघ्नता है। सामान्य सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किए, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और शब्द की हिंदू धर्म के प्रमुखों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकारियों के शब्दों की जैसे मान और प्रताओं के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल यह देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्रसुंदरम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शब्द व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन के तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों के जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन भनो हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रखंड नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन तीन काली का स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी सर्व से उनके शिव के प्रति और सर्व श्रद्धा के उनके प्रसिद्ध महादेव महादेवता महा ना तो समाचार करता और नाता उतना ही निरस राम निखिल के युवक के हिजे हाल ही ये युवक के डिग्री मिलियन युवका दिन प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उड़ान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहदी मनुष्य शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते। बेहदी का एक सहायक पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहते कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसका ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहोश होने के बच्चे को माता पिता का ढूंढने की कोशिश कर आनंद मबदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट ईयर की कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है, वो बादी है करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम के उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के ऑरेंज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव ड्राम बॉलर से नए तो उसके भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन का एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच अनंत और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चरण करने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पहनता देवी के हावित हो जाते हैं। जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदान तो एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संयोग भी अक्षा के होती है। वे अक्षय दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह भी बराबर कर लिया लेकिन प्रभु को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ की बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विवादित रिलीज पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त रूपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक ऐसी इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील मुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुबह बयान दी। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर सहाजनी और अवहरण करने की थी और राष्ट्रपति अब असन्ना महल के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। एक जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है जिसमें को पूछताछ के दौरान उत्तरा से खुलासा किया। जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंट उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई ज्योति का भुगतान करे और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कारण एजेंटों के हमारे बेस में प्रतिशोध लेने के लिए उसके स्पष्ट करने के अपने गीत के झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मृत लोग युग एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन दुबई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है दुबई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोख देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। दुबई के खुलासा किया रुबे में मॉस्को के है जवाब बेजिंग के पहले इस चौकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए दस्तावेज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। एम्बो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। एम्बो की नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुप्त बीच उपायुक्त से जिसे जीन के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया वो ये जानने बिना इसका देश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जिनके जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचने लुथेरा रुबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डॉक्टर भारती प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के अभिनंदनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं, जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान साफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम के स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है कि इनके पास डिटोकनेटर मिथने की इवाई नतायत नियंत्रण को फ़ोन किया तो विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा सके। केबिन में पठान और जिम बेरोमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के मिलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने उपयोग कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को गांव में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण पूर्ण वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्देश सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन पुलिस संशोधनों के साथ पारी की कर दिया गया। सी शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। यह विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक द्रूप के शिव सहकब के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विजित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंदा मनोपातक विमुखता है। सामान्य सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते। संस्कृत शब्द के अर्थों को भगवान शिव ने संबंधित दिया और शब्द की हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृत नाम के इनकाइयों के शब्द की जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द दिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल यह देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तच संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन भ्रमो हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंड, तीनकंठ सुप्रण, त्रिलोचनकंठ, तीन काली का स्वामी और ग्रीश्वर करुणा के स्वामी सर्व से उनके शिव के प्रति सर्व शब्दा के उनके प्रसिद्ध महादेव महान देवता महा ना तो समाचार करता और ना था उतना ही निरस राम निखिल का युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के टिकरी मिलियन युवका दिन प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहरी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते हैं। बेहदी का एक सहाय पदक्षेप, जिसके बाद में वो नहीं चाहती कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयाल व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहदी होने के बच्चे को माता पिता को ढूंढने की कोशिश कर आनंद नवदीप एक स्नातक है जो एक और फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। इसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो कुछ है वो बादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम के उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के ऑरेंज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव ड्रामर से नए तो उसका भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम फोड़ने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन के एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच आनंद और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चंद कटने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पहनता देवी के हावित हो जाते हैं जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदान तो एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संयुक्त भी अक्षा के होती है। वे अक्षय दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर के लिए लेकिन बब्बू को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किया। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विपरीत रिलीज पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त राज्यपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की समृद्ध योजनाओं के रोकने की सुनवाई बयान दी हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर शाहनी और अवहरण करने की थी और राष्ट्रपति अब असन्नक महल के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करते हैं। 1 जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाते हैं। जिसमें को पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसने बच्चे की हत्या कर दी तब एजेंट उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई ज्योति का भुगतान कर और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कार एजेंटों के हमारे देश में प्रतिशोध लेने के लिए ये उसके स्पष्ट करने के अपने गीत की छोटी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में तो लोग युग एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तान डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है रुबाई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के ऐसा किया रूबेविन मॉस्को के है जवाब बेजिंग के पहले इस चौंकाने के क्या तय करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा गया रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए दस्तावेज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम के गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। एमबी के नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुक्त बीच उपाधिवृत्त विशेष बायसडस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया। वो ये जानने बिना इसका आदेश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा कर बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के प्राप्त करने कामयाब होते हैं जिनके जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचने लुथेरा रुबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डॉक्टर भारती प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के अभिनंदनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय को पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए कुरुक संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने के बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं। जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटर देता है। पठान साफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम का स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेट पीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाइन मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुकते बीच मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है ईमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है इनके पास डिटोकनेटर लिखने की ईमाई रहता है। नियंत्रण को फ़ोन किया तो विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा जाते हैं। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के मिलते लड़ता है। जिस दर छपा छोपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि जनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण तुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन उन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्रों के साथ बिना किसी कट के, लेकिन पुलिस संशोधनों के साथ पारी की कर दिया गया। सीब शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेष रोग में रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दुर्गंधिक दिव्यों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। यह विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव में सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी हुआ। तक है शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना है माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द व्यक्त अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और शब्द की हिंदू धर्म के प्रमुख महत्व के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकारियों के शब्दों की जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विशिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल यह देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ों की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश में विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तच संयोजन के तहत यह प्रभाव नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन भ्रमोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु द्रोहर, त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंड, तीनकंठ सुप्र, त्रिलोचनकंठ, तीन काली स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी सर्वश्र के शिव के प्रति सर्व शब्दा के उनके प्रसिद्ध महादेव महान देवता महा ना तो समाचार करता और ना था उतना ही निरस राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के टिकरी मिलियन युवक का मंदिर प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे सो अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहरी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते हैं। बेहरी का एक सहाय पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहती कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सोनभा को उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहदी होने के बच्चे को माता पिता का ढूंढने की कोशिश कर आनंद नवदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो कुछ है वो बादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम के उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के ऑरेंज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव ग्रामवालों से नए तो उसका भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम फोड़ने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन के एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच अनंत और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चरण कटने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पहनता देवी के हावित हो जाते हैं। जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदांत एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संयोगवश भी अक्षा के होती है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर के लिए लेकिन प्रभु को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विवाहित रिलीज पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त राज्यपाल के गुप्त अनुबंधन से और जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे। चाहते हैं रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील गुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुबह जानते हैं। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर सहानी और अवहारण करने की थी और राष्ट्रपति अप्रसन्न होने के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। 1 जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर सहानी के साथ भागने की सफल हो जाते हैं। जिसमें को पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंटों उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई ज्योति का भुगतान करें और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कारण एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए उसके स्पष्ट करने के अपने गीत की झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में तो लोग युग एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तान डॉक्टर रुबीना मोहसिन दुबई के खाने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहाँ उसे ये भी पता चलता है दुबई के ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। दुबई के खुलासा किया रुबेमिर मॉस्को के है जवाब बेजिंग के पहले इस चौंकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि दुबई के पठान को खोजा गया रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम दुबई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए दस्तबीज उचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रुपेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। एमबी के नंदिनी गरीब ने दुबई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान दुबई से मिलता है जो बताते हैं कि रुक्तबीज उत्पादित विशेष बायसरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया। वो ये जानने बिना उसका इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते हैं। बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जो कि जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुँचने लुथेरा दुबई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डॉक्टर भारत प्रभाकर के रोगी के संस्था नाम के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के अभिनंदनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए ग्रुप संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने के बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं, जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटर देता है। पठान साफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम के स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुकते बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है इनके पास डिटोकनेटर लिखने की इवाई नतायत नियंत्रण को फ़ोन किया विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जाते हैं। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान की सुनते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर निकलकर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को गांव में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि इंद्रनिंद को उनके बहादुरी के लिए मनमरण तुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्देश सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन पुलिस संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव में सहकबों के पुराणों के जज्ञा शिव के रूप में हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी तक है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द वेद अर्थों को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द की हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृत नाम के इनकारियों के शब्दों की जैसे मान और प्रताओं के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन भ्रमोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रकंठ तीनकंठ सुप्रण, त्रिलोचनकंठ तीन काली स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी स्वरूप से उनके शिव के प्रति श्रद्धा के उनके प्रसिद्ध महादेव महान देवता महा ना तो समाचार करता और नाता उतना ही निरसन। राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के डिग्री मिले युवक का धर्मधीर प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उड़ान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहरी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते। बेहरी का एक सहाय पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहते कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सोमवार को उसका ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहदी होने के बच्चे के माता पिता को ढूंढने की कोशिश कर आनंद मबदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है। वो बादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते हैं। इसी क्रम कि उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के ऑरेंज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव रामगोलर से नए तो उसका भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन के एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच आनंद और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चरण खतरे में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पहनता देवी के हावित हो जाते हैं जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिरदान तो एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात समयोपरत भी अक्षा की होती है। वे अक्षय दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय के दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा गार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर के लिए लेकिन प्रभू को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विवादित बीच पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त रघुपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे। चाहते हैं रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुनवाई बयान दी। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर सहानी और अवहरण करने की और राष्ट्रपति अब असन्ना महिला के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। एक जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है जिसमें पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंटों उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई विरोधी का भुगतान करें और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कारण एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए इसके स्पष्ट करने के अपने गीत की छोटी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मित्र लोग युग एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तान डॉक्टर रूबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहाँ उसे ये भी पता चलता है रुबाई के ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के खुलासा किया रुबेमिन मॉस्को के है जवाब बेजिंग के पहले इस चौंकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रुस्तबीज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। उम्मीद की नंदिनी गरीब ने रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुक्तबीज उपाधिक वायसरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया। वो ये जानने बिना इसका देश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं।
जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथेरा मुंबई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर भारती प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के बिना नंदिनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस पे फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए कुरुक संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने के बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं। जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान काफी से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम का स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच हुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुकते बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है कि पास डिटोकनेटर लिखने की इवाई नतायत नियंत्रण को फ़ोन किया विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जाता है। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के मिलते लड़ता है। जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीज ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि इंद्रनीत को उनके बहादुरी के लिए मनमरण तुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्दर्शन सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन पोजीशन संशोधनों के साथ पारी की कर दिया गया। सीब शब्द का रिबे किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यंगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव ने शाकंभू के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंगवाता मनो उत्पादक विज्ञानता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृत नाम के इनकाइयों के शब्दों की जैसे मान और प्रताओं के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्रसुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व रजन की तहत वे प्रभावित नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंडा के स्वामी महादेव, महादेवन भ्रमोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रकंठ तीनकंठ सुख त्रिलोचनकंठ तीन काली का स्वामी और विनीश्वर करुणा के स्वामी स्वरूप से उनके शिव के पति अवसर शब्द के उनके प्रसिद्ध महादेव महादेवता महा ना तो समाचार करता और ना उतना ही निरसन। राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के डिग्री मिलियन युवक का तमदीन प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहदी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते। बेहदी का एक सहायक पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहते कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहता है। सौभाग्य उसके ट्रेन टेटे इस बीच वो इस बेहोश होने के बच्चे को माता पिता का ढूंढने की कोशिश कर आनंद मदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट वर्ल्ड कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है, वो बादी है करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम की उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के मेडी के माध्यम से बेहद
प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव रामबालर से नए तो उसके भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन का एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता है। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी भतीजा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच अनंत और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चरण करने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी प्रेमता देवी के हावित हो जाते हैं जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदांत एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संयोजक भी अक्षा के होती है। वे अक्षय दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर कर लिया लेकिन प्रभु को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विवादित रिलीज पे पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त रघुपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की समृद्ध योजनाओं के रोकने की सुनवाई बयान दी। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर शाहनी और अवहारण करने की और राष्ट्रपति अब असन्नक महल के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक स्थल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। 1 जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है। जिसमें के पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसने बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंट उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई ज्योति का भुगतान कर और अपने परिवार को 9 बच्चे के कार्ड एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए इसके स्पष्ट करने के अपने गीत की झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मित्र लोग युव एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है रुबाई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के खुलासा किया रुबेनी मॉस्को के है जवाब बेजिंग के पहले इस चौंकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रुस्तबीज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेवर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। एमबीए की नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुक्तबीज उपाधिवृत्त विशेष बायसरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया। वो ये जानने बिना इसका देश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा कर बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जिनके जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचने लुथेरा नुबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डॉक्टर भारती प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के अभिनंदनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए कुरुक संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं, जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान काफी से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम के स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई के पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है इनके पास डिटोकनेटर लुथने की इवाई नतायत नियंत्रण को फोन किया। विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा जाते हैं। केबिन में पठान और जिम बेरोमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के मिलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर निकलकर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण तुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्रों के साथ बिना किसी कट के लेकिन पुलिस संशोधनों के साथ पारी की कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1711 ईसा पूर्व में एक विशेष रोग में रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई जो दिवंगत दिव्यंगों ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक द्रुप के शिव निशान कब्बों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिन्हता मनो उत्पादक विभिन्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना का माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और शब्द की हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकारियों के शब्दों की जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल यह देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मो हुसैन, महादेवन शंकर शंभु, रुद्रहर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रखंड, तीनकंठ सुप्रम त्रिलोचन, तीन काली स्वामी और भीमेश्वर करुणा के स्वामी सर्व शरण के शिव के प्रति सर्व श्रद्धा के उनके प्रसिद्ध महादेव महादेवता महा ना तो समाचार करता और ना था उतना ही निरसन। राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के डिग्री मिली है। युवक का दिन प्रदर्शन करते हैं, बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उड़ान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहरी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते। बेहरी का एक सह पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहती कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे की होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेटे इस बीच वो इस बेहदी होने के बच्चे को माता पिता को ढूंढने की कोशिश कर आनंद मबदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट ईयर की कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है, वो बादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम की उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के ऑरेंज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव ड्रामर से नए तो उसका भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन का एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच आनंद और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चंद करने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पहनता तेबी के हावित हो जाते हैं। जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदांत एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संयोग भी अक्षा की होती है। वे अक्षय दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर के लिए लेकिन प्रभु को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानिक उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विवादित रिलीज पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त राज्यपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुनवाई बयान दी। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर शाहनी और अवहरण करने की थी और राष्ट्रपति अब असन्ना महल के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। एक जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है। जिसमें को पूछताछ के दौरान उत्तरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे को हत्या कर दी थी तब एजेंट उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई ज्योति का भुगतान करें और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कार्ड एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए उसके स्पष्ट करने के अपने गीत की झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मित्र लोग युव एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है रुबाई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के खुलासा किया रुबे में मॉस्को के है जवाब जिम के पहले इस चौंकाने के क्या तय करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा जो रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए दस्तावेज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। एमबीए के नंदिनी गरीज ने रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुप्त बीच उपारिवृत्त विशेष बायसरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया। वो ये जानने बिना इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा कर बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जिनके जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुँचने लुथेरा रुबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डॉक्टर भारत प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के अभिनंदनी के लिए गोली निकलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए कुरुक संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं, जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटर देता है। पठान काफी से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम का स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच हुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुकते बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होते हैं। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई के पठान को शूट किया जाता है, जिसे पता चलता है इनके पास डिटोकनेटर लिखने की इवाई नतायत नियंत्रण को फ़ोन किया। विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जाता है। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के चलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने उपयोग कर दिया और जिम को केबिन से बाहर निकलकर मार डाला, क्योंकि नींद टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण पुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का किसी 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेष रूप में निर्मित किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यंगों ने लिए विशेषों के शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। यह विशेषण प्रयाग वैदिक सहित को अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक ध्रुव के शिव में सहकों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी मूलों उत्पादक विभिन्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना है माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और इस शब्द की हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकाइयों के शब्दों की जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तच संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन भ्रमोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्रहर, त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रकंठ तीनकंठ सुप्र त्रिलोचनकंठ, तीन काली का स्वामी और ग्रीश्वर करुणा के स्वामी स्वरूप से उनके शिव के प्रति उत्सर्ग श्रद्धा के उनके प्रसिद्ध महादेव महान देवता महा ना तो समाचार करता और ना उतना ही निरस राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के टिकरी मिलियन युवक का दिन प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपने ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे जो अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहरी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते हैं। बेहरी का एक सहाय पदक्षेप, जिसके बाद में वो नहीं चाहती कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहरी से मुलाकात एक महीने के बच्चे की होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहोश होने के बच्चे को माता पिता का ढूंढने की कोशिश कर आनंद मबदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। इसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो कुछ है वो बादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम के उनकी मुलाकात अंजलि मुदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो कॉलेज छात्रा के ऑरेंज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव ड्राम बॉलर से नहीं तो उसके भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम फोड़ने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन का एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच आनंद और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चंद कटने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पेड़ता देवी के हावित हो जाते हैं जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदान तो एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संयुक्त भी अक्षा की होती है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह भी बराबर कर लिया लेकिन बब्बू को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किया। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विवादित बीच पहले प्रचार शिविर था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त राज्यपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे ना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की समृद्ध योजनाओं के रोकने की सुनवाई बयान दी हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर सहानी और अवहारण करने की थी और राष्ट्रपति अब अचानक महीने के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। 1 जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर सहानी के साथ भागने की सफल हो जाता है। जिसमें को पूछताछ के दौरान उत्तरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी तब एजेंट उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई ज्योति का भुगतान करें और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कार एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए उसके स्पष्ट करने के अपने गीत की छोटी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में तो लोग युवा एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तान डॉक्टर रूबीना मोहसिन दुबई के कुएं में स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है दुबई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। दुबई के खुलासा किया रूबेमिन मॉस्को के है जवाब बेजिंग के पहले इस चौकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि यूरुबाई के पठान को खोजा रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए दस्तावेज उचारने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुक्त बीच उपारित बाइसडर से जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया वो ये जानने बिना इसका देश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान को धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा कर बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जिनके जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचने लुथेरा नुबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डॉक्टर भारती प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के विनंदनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय को पहले सुविधा में वायरस पे फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए ग्रुप संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं, जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटर देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम का स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच हुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुकते बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है इनके पास डिटोकनेटर लुथने की इवाई नतायत नियंत्रण को फोन किया। विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा जाते हैं। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के मिलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण पुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्रों के साथ बिना किसी कट के, लेकिन पुलिस संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। सीब शब्द का प्रयोग 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ सीब शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। यह विशेषण प्रयाग वैदिक सहित अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के सीब में सहकबों के पुराणों के जग्गा सीब के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जीवता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृति नाम के इनकाइयों के शब्दों की जैसे मान और प्रताओं के दर्शाने के विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल यह देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ के भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश्वर विष्णु सहस्र सुंदम के शिव के अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तच्छ संरजन की तहत वे प्रभाव नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन भ्रमोक हुसैन, महादेवन शंकर, शंभु रुद्र, हर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रकंठ, नीलकंठ, सुप्रण, त्रिलोचनकंठ, तीन काली स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी स्वरूप से उनके शिव के प्रति अवसर शब्द के उनके विशुद्ध महादेव महादेवता महा ना तो समाचार करता और ना था उतना ही निरस। राम निखिल के युवक के हिजे हाल ही ये युवक के डिग्री मिलियन युवका धर्मधीर ने प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे उसको अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहरी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते। बेहरी का एक सहाय पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहती कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहरी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहोदी होने के बच्चे को माता पिता का ढूंढने की कोशिश कर आनंद नवदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है। वो वादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम के उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के ऑरेंज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव ड्राम बॉलर से नए तो उसका भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन का एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच आनंद और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चरण कटने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पेहता देवी के हावित हो जाते हैं जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदांत एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संयोगवश वे भी अक्षा की होती है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा गार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करते हैं। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह भी बराबर कर लिया लेकिन प्रभू को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किया। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानिक उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विपरीत रिलीज पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त रघुपाल के गुप्त अनुबंधन से और जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे। चाहते हैं रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुबह बयान दी। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर सहारनी और अवहरण करने की और राष्ट्रपति अब असन्ना महिला के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक के काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। एक जुलाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है। जिसमी को पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंटों उसका शव नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई ज्योति का भुगतान करें और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कार एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए उसके स्पष्ट करने के अपने गीत की झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मृत्यु लोग युव एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रुबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है रुबाई के ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के खुलासा किया रुबेमी मॉस्को के है जहां बेजिंग के पहले इस चौकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए दस्तावेज उचारने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम के गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता जो बताते हैं कि रुप्तवीच उपाधि से जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया वो ये जानने बिना इसका आदेश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान का धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जो कि
जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथेरा नुबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है। डॉक्टर भारती प्रभाकर के रोगी के समर्थन के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूक स्पष्ट रूप से भी उपाय के बिना नंदिनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय के पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए कुरुक संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं। जिम जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटर देता है। पठान राफे से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम का स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करते हैं और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच हुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुतबीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है कि पास डिटोकनेटर लुथने की इवाई नतायत नियंत्रण को फोन किया। विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा सके केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के चलते लड़ता है। जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीच ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद को उनके बहादुरी के लिए मन मरण पुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर्दर्शन सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्रों के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारित कर दिया गया। शिव शब्द का रीबेक 1700-1100 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित के अन्य देवताओं के संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव ने सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिंगवाता मनो उत्पादक विघ्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना है माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित दिया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख महत्व के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृत नाम के इनकाइयों के शब्दों के जैसे मान और प्रताओं के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द शिव्यांशु को जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल या देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश में विष्णु सहस्रसुंदरम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन की तहत वे प्रभावी नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर शंभु रुद्रहर त्रिलोचन देवेंद्र, देवताओं के प्रकंठ नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन तीन काली स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी सर्वश्रम के शिव के प्रति सर्व श्रद्धा के उनके प्रसिद्ध महादेव महान देवता महा ना तो समाचार करता और ना उतना ही निरसन। राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के टिकरी मिलियन युवक का मंदिर में प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उड़ान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहदी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते। बेहदी का एक सहाय पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहते कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहोदी होने के बच्चे को माता पिता का ढूंढने की कोशिश कर आनंद नवदीप एक स्नातक है जो एक फास्ट वर्क कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है, वो बादी है करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम के उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के मेडी के माध्यम से बेहद
प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव रामबालर से नए मतलब उसके भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन के एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता है। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच आनंद और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चंद करने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पहनता देवी के हावित हो जाते हैं जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल सिद्धांत एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात संयोगवत भी अक्षा की होती है। वे अक्षय दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर के लिया लेकिन प्रभू को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विपरीत बीच पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच उठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त राज्यपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक ऐसी इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते थे न चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुबह बयान दे हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर शाहनी और अवहरण करने की और राष्ट्रपति अब असन्नक महल के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। 1 जुलाई रसूल होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है जिसमें को पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्ची को हत्या कर दी थी तब एजेंट उसका सब नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई ज्योति का भुगतान करे और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कारण एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए उसके स्पष्ट करने के अपने गीत की छोटी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मृत लोग युग एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है रुबाई के ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के खुलासा किया रुबाई में मॉस्को के है जवाब जिम के पहले इस चौंकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा गया उसे रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए रुस्तबीज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा 2 सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। एमबी की नंदिनी गरीब ने रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं। पठान रुबाई से मिलता है जो बताते हैं कि रुप्तबीज उपाधिवित विशेषक वायसरस है जिसे जिम के आदेश के तहत एक वर्दी डॉक्टर सहानी द्वारा जबरदस्त विकसित किया गया। वो ये जानने बिना इसका देश इस तरह के गहन हमले की योजना बनाएंगे। पठान के धोखा देने के लिए अपराध बोध भी व्यक्त करते हुए साइबोरिया में जिम के प्रतियोगिता शाला यात्रा करते हैं। बड़ी मुश्किल से वायरल वाले एक गोले के पुनः प्राप्त करने कामयाब होते हैं जबकि जिम दूसरे गोली के साथ भाग जाते हैं। लुथेरा और नंदिनी टीका विकसित करने के लिए गोला वापस भारत ले जाते हैं। जिम को प्रयोगशाला में पहुंचते हैं। लुथेरा रुबाई के भी संदिग्ध वफादारी के कारण गिरफ्तार कर लिया जाता है।
डॉक्टर भारती प्रभाकर के रोगी के संस्थान के रूप में और IIECD में डॉक्टर फारूकी स्पष्ट रूप से भी उपाय के अभिनंदनी के लिए गोली खोलते हैं, जिसे उन्हें कॉल करता है और बताता है कि बॉय को पहले सुविधा में वायरस के फैला दिया है। वायरस के पसीदों को रोकने के लिए कुरुक संक्रमित वैज्ञानिक नंदिनी के साथ सुविधा में खुद को गोली मारकर मार जाने थे। बाद में नियंत्रित विस्फोट में सुविधा नष्ट हो जाते हैं, जिस 24 घंटे के भीतर भारतीय सैनिकों को गंभीर रूप से बाहर निकालने का अल्टीमेटम देता है। पठान काफी से मिसाइल के स्थान के बारे में पूछताछ करते हैं और उसे पता चलता है कि मिसाइल अफगानिस्तान में स्थित है। रुबाइन को बचाने के बाद उन्होंने जिम के स्थानियों को जाल में फंसाया और जिम के अड्डे पर हमला कर दिया। वायरस मुक्त मिसाइल को सक्रिय करने के बाद रुबाइन और कादिर को मार डाला। पठान जेपीट को साथ जिम का पीछा करता है और वे दोनों केवल दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। इस बीच रुबाई मिसाइल का निष्क्रिय कर देता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि रुकते बीज मिसाइल में नहीं बल्कि यात्रियों में भरी हुई हवाई जहाज पे होती है। दिल्ली से उतरने वाला होता है इमाई को पठान को सूचित किया जाता है, जिसे पता चलता है कि पास डिटोकनेटर लुटने की इबाई जाता है। नियंत्रण को फोन किया विमान को दिल्ली में उतरने के रोक जा सके। केबिन में पठान और जिम बेरहमी से लड़ते हैं, जिसमें परिवार स्वरूप बेबिन उच्चान के मिलते लड़ता है, जिस द्वारा छपा सौंपने के बावजूद पठान ने डिटोनेटेड चुरा लिया। रक्त बीज ने निष्क्रिय कर दिया और जिम को केबिन से बाहर फेंककर मार डाला, क्योंकि नींव टूटने पर वाली थी। बाद में पठान को रॉ में बहाल कर दिया और गांव GOCOR का प्रमुख बनाया, जबकि दिनेंद्र को उनके बहादुरी के लिए मनमरण तुरंत वीर पुरस्कार में सम्मानित किया गया है। मार्गदर्शन के अधीन पर जोर दिया। फिल्म का अंतर सेंसर बोर्ड द्वारा केवल वयस्कों के लिए प्रमाण पत्र के साथ बिना किसी कट के, लेकिन 25 संशोधनों के साथ पारी की कर दिया गया। शिव शब्द का प्रयोग 1711 ईसा पूर्व में एक विशेषज्ञ ने रूप किया गया था। इस रुद्र सहित कई दिव्यांग दिव्यांगताओं ने लिए विशेषज्ञ शिव शब्द का अर्थ मुक्ति, अंतिम मुक्ति का शुभ भी है। ये विशेषण प्रयाग वैदिक सहित अन्य देवताओं को संबंधित है। ये शब्द वैदिक रूप के शिव ने सहकबों के पुराणों के जग्गा शिव के रूप में विकसित हुआ और एक शुभ देवता के रूप में भी जिम्मेवार मनोत्पादक विघ्नता है। शर्मा ने सांस्कृतिक धातु शब्द के साथ एक और व्यक्तित्व प्रस्तुत किया, जिसका अर्थ है कि घायल करना या माना, जिसका अर्थ है कि वो व्यक्ति को अंधेरे की ताकत को माना सकते हैं। संस्कृत शब्द के अर्थ को भगवान शिव ने संबंधित किया और इस शब्द के हिंदू धर्म के प्रमुख मतों के एक और संवाद के सदस्यों के लिए संस्कृत नाम के इनकाइयों के शब्दों के जैसे मान और प्रताव के दर्शाने के लिए विशेषता के रूप में किया जाता है। कुछ लेखक इस नाम के तमिल शब्द विश्वांशु के जोड़ने के इसका अर्थ है कि लाल यह देखने हुए ही शिव सूर्य से जुड़े हुए हैं। तमिल के शिव लाला लवाला के रूढ़ की भूरा या लाल भी कहा जाता है। रुद्रेश विष्णु सहस्रसुंदरम के शिव के कई अर्थ बनाए गए हैं। शुद्ध व्यक्ति और वो विजय जो कृति के तीन गुणों के तत्व संरजन की तहत वे प्रभावित नहीं है। शिव को कई नामों को जाना जाता है, जैसे विश्वनाथ कुंड के स्वामी महादेव, महादेवन ब्रह्मोक हुसैन, महादेवन शंकर शंभु, रुद्रहर त्रिलोचन, देवेंद्र देवताओं के प्रखंड, नीलकंठ सुप्रण त्रिलोचन, तीन काली का स्वामी और गिनीश्वर करुणा के स्वामी सर्वशरण के शिव के प्रति और सर्व शब्दा के उनके विशुद्ध महादेव महान देवता महा ना तो समाचार करता और नाता उतना ही निरस। राम निखिल के युवक के हिस्से हाल ही ये युवक के टिकरी मिली युवक का दिन प्रदर्शन करते हैं। बाद वो शहर पहुंचते हैं लिए अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे होते हैं, जहां वे अमरीका के लिए उजान भर सकते हैं। यहां उनकी मुलाकात बेहदी मनुषा शर्मा से होती है, जो घर के भाई और क्योंकि उनके माता पिता उनके शादी किसी ऐसे व्यक्ति से करना चाहते हैं जिसे संपन्न नहीं करते। बेहदी का एक सहाय पदक्षेप जिसके बाद में वो नहीं चाहते कि उसके व्यवसाय किसी भी पता चले। राज में बेहदी से मुलाकात एक महीने के बच्चे के होती है, जिसे स्टेशन पर छोड़ दिया जाता है। राम एक दयालु व्यक्ति होने के नाते बच्चे को छोड़ने नहीं चाहते। सौभाग्य उसके ट्रेन टेट है। इस बीच वो इस बेहोदी होने के बच्चे को माता पिता को ढूंढने की कोशिश कर आनंद मवदीप एक स्नातक है जो एक फर्स्ट वर्ग कंपनी के काम करता है। उसके लिए सब कुछ अच्छा चल रहा है और वो खुश है, वो बादी करने के अपना जीवन बसाना चाहते। इसी क्रम की उनकी मुलाकात अंजलि अदिति शर्मा से होती है। मेघना काजल अग्रवाल अपनी सपनों से भी वो हर समय रोमांच की तलाश में रहती है। वो एक कॉलेज छात्रा के ऑरेंज मेडी के माध्यम से बेहद प्यार करती है। निजी निखिल सिद्धांत फिल्म के उद्योग में एक संघर्ष नामांतुक और
उसे लगता है कि उसके अगला रवि तेजा वर्मा से समता लेती है। नूरी विद्यावती की शादी आकर क्रिएटिव ड्रामर से नए तो उसके भाई हैदराबाद के मुख्य स्नातक पर बम करने की साजिश रचना है। रेड्डी मुरली मोहन का एक किसान है जो अपनी जमीन में प्यार करता है, किसी को विश्वास करता। उनका बेटा सारी जमीन बेचना चाहता है ताकि वह हैदराबाद चला जाए और आलोसन जिंदगी में जैसे रेड्डी की मुख्य हो जाती है और उसकी पत्नी प्रतिगा अपने बेटे परिवार के साथ हैदराबाद आते हैं। इस बीच अनंत और अंजलि के प्यार हो जाते हैं। नूरी के भाई द्वारा आज योजनाबद्ध बम विस्फोट के सभी को ये जीवन के योजना के चंद करने में पड़ जाते हैं। रेड्डी के खतनी पहनता देवी के हावित हो जाते हैं। जब धमका के सब बचने की कोशिश करते हैं तो आनंद आते हैं और वो दिन बचाते हैं। बाबू निखिल चिदान तो एक अनाथ है जो अपने चाचा और चाची द्वारा पाला जाता है और वो उसके लिए वो उसके चाचा को डांटता है। वो अपने दोस्तों के साथ रहने के लिए हैदराबाद चला जाता है जिसके पर उन्हें भरोसा था। दयालु बाबू का मानना है कि हंसा हुआ और दूसरे के खुश करते हैं। जीवन में बाबू की मुलाकात समयोत्पत वे भी अक्षा के होती है। वे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। वो अकेले होते हैं। बाबू और अक्षय दिन दोस्त एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अजय रणधीर पटेला के सुरक्षा वार्ड किरण और एक सहायक फिल्म दर्शक उसे खुश करने के लिए एक बार उसके जन्मदिन के दौरान कुछ गुंडे बीबी के छोड़ने और बाबू उनकी पिटाई करता है। बाद में उन्होंने बाबू से विवाह बराबर के लिए लेकिन प्रभु को गंभीर चोट आती है। बलहारा और अंतिम बलहारा के स्क्रीन प्रदान किए। ये फिल्म 225 करोड़ के बजट पर अनुमानित उत्पादन बजट पर बनाई गई थी जिसमें प्रिंस और विज्ञापन पर आधारित 15 करोड़ खर्च किए गए थे। आदर्श के विपरीत बीच पहले प्रचार सीमित था और कोई मीडिया इंस्पेक्शन या सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं था। इस बीच पठान एक रॉ एजेंट है जो अपने वरिष्ठ अधिकारी नंदिनी अग्रवाल के साथ मिलकर संयुक्त रघुपाल के गुप्त अनुबंधन से जो OCR के नामक एक इकाई के खोलता है पूर्व रॉ एजेंट की भर्ती करता है जिन्हें पिछले घातक या चोट के कारण सेवानिवृत्त होने के लिए मजबूर किया जाता था लेकिन वे पेश की सेवा के करना चाहते हैं। रॉ के संयुक्त सचिव कर्नल सुनील लुथवा की स्वीकृति के साथ पठान और उनके टीम ए वैज्ञानिक सम्मेलन के भारत के राष्ट्रपति बमला करते हैं। आउटफिट एक्स की संदिग्ध योजनाओं के रोकने की सुनवाई बयान दी। हालांकि उन्हें एहसास होता है कि उनकी वास्तविक योजना के वैज्ञानिक डॉक्टर फारूकी और डॉक्टर शाहनी और अवहरण करने की और राष्ट्रपति अब अचानक महल के बारे में उन्हें जो जानकारी मिली थी वो उन्हें गुमराह करने का एक ढाल थी। जिम वैज्ञानिक काफिले पर हमला करते हैं और पठान और उसे रोकने की कोशिश करता है। एक जुड़ाई शुरू होता है जहां जिम डॉक्टर शाहिनी के साथ भागने की सफल हो जाता है। जिसमें को पूछताछ के दौरान लुथरा से खुलासा किया और जिम को एक पूर्व एजेंट था जिसे उसकी बहादुरी के लिए वीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जब पुरस्कार के इनकार के बाद सोमालियाई आतंकवादियों ने उसकी पत्नी और उसके बच्चे की हत्या कर दी थी तब एजेंट उसका सब नहीं ढूंढ पाए थे। मांगी गई विरोधी का भुगतान करें और अपने परिवार को 9 बच्चे पाने के कारण एजेंटों के बेस में प्रतिशोध लेने के लिए इसके स्पष्ट करने के अपने गीत की झूठी कहानी रची थी। एक बीच पठान के रक्तबीज नामक कोड बोर्ड के बारे में पता चलता है। ये भी तो चला जाता है कोई दुबई में मृत लोग युग एजेंट के थे और अपने पैसा स्पेन में एक पाकिस्तानी डॉक्टर रूबीना मोहसिन रुबाई के कहने स्थानांतरित किया गया था। पठान स्पेन जाता है और जिम के आदमियों द्वारा पकड़ लिया जाता है जो जहां उसे ये भी पता चलता है रुबाई के पूर्व ISI एजेंट है। जब जिम पठान ठिकाना पोर्ट देता है तो हवाई जिम के आदमियों पर हमला करती है और पठान के साथ भाग जाती है। रुबाई के खुलासा किया रुबेमिन मॉस्को के है जवाब जिम के पहले इस चौंकाने के यात्रा करते हैं। हालांकि रुबाई के पठान को खोजा यह रूसी पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। ये पता चलता है कि जिम रुबाई का इस्तेमाल पठान से अपने लिए दस्तावेज रुचाने के लिए किया था। पठान का पकड़ा लिया था और रूटेन के जेल में लिया जाया था लेकिन अविनाश सिंह टाइगर राठौर ने उसे बचा लिया। 3 साल बाद पठान अफ्रीकी की यात्रा करते हैं और जिम को गुंडों रोग पर पकड़ लेता है। वो नंदिनी से मिलता है और जिम द्वारा दो सेबर मिसाइल खरीदने के बाद सुलह करते हैं। नंदिनी गरीब में रुबाई के स्थान का खुलासा करते हैं।